देखो गाइस, लाइफ में एक बार हर किसी को प्यार होता ही होता है, चाहे वो तुम्हें हो, चाहे वो मुझे हो, चाहे वो हर किसी को। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि नहीं अमित भाई, आप गलत हो, आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि मुझे आज तक किसी के साथ प्यार नहीं हुआ या फिर मुझे कोई प्यार नहीं करता। बट यहाँ पर आप गलत हो। हो सकता है कि आप वन साइडेड लव किसी को करते हो, किसी को आप पसंद करते हो, बट आपने बताया नहीं हो डर के मारे कि यार वो मना कर देगी तो क्या होगा, या फिर क्या पता वो आपको पसंद करती है, उसने नहीं बताया हो, आपको पता नहीं हो कि वो तुमको प्यार करती है बोलकर, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो बट कोई बताना नहीं चाहता। तो सिचुएशन बहुत अलग अलग सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आज मैं अपने प्यार के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। बट मजाक कर रहा हूँ यार। गाइज आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं आरजी बकेट लिस्ट के वीडियो के ऊपर, जिसका नाम है फर्स्ट लव। तुमको लगा कि मैं अपनी लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा? वाह भाई वाह, भाई वाह, मेरी शादी होगी शादी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो गाइज। वीडियो में काफी मजा आने वाला है, सब लोग लाइक करो, नहीं होता सब्सक्राइब करो। चलो गाइज अभी हम लोग देखते हैं पहला प्यार बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। ओके शायद से घर होगा, ये लग रहा है डोरेमोन के घर से लग रहा है ना थोड़ा सा। मम्मी जी सब्जी काट रही है, ब्रेकफास्ट बना रहे शायद से, सामने ब्रेड लगा हुआ है शायद से, टमाटर। भाई कितना डिटेलिंग के साथ बनाया जाता है ना ये वीडियो, मेहनत तो बहुत है यार। ओके क्यों गुस्सा हो गया? सुबह 6 बजे अलार्म लगाया था, अभी तक नहीं बजा। घटिया फोन मेरा। ले भाई 6 बजे का अलार्म, 7 बज चुका है। आज फिर से लेट होएगा, जल्दी कर। ब्रेकफास्ट लेके आ गई मॉम। ओके अबे जल्दी घुसना। ओके बड़ी जल्दी तैयार हो। ओए मम्मी ने देख लिया, क्या कर रहे? बिना खाए भाग रहा है वो। चुपचाप नाश्ता करके जा स्कूल को, 1 घंटा बाकी है। रास्ते में कुछ खा लूंगा मम्मी। अबे पता नहीं इतनी जल्दी स्कूल जाके क्या करता है आजकल। प्यार हो गया ना बेटा को यार, प्यार में कहां जल्दी होता है। ओके मेरी पहला प्यार है मेरा। क्या हो गया? तो उसको लग रहा है कि स्पीड जा रहा हूँ बट स्लोली जा रहा है क्या? ये पर थक गया, ये थक गया बेचारा। भाई पहला प्यार है यार, ऐसे कैसे थक सकते हम लोग? लेट तो नहीं हो गया? घड़ी लाना भूल गया। ले भाई घड़ी पहनना भूल गया, अभी पता कैसे चलेगा। ले भाई ब्लेमिंग टाइम। घटिया फोन। नॉट माई फॉल्ट बिच। 15 मिनट्स लेटर, देखते हैं 15 मिनट बाद क्या होता है। जाके नाश्ता ही कर लेता हूँ फिर स्कूल चला जाऊंगा, वैसे भी देर कर दी मैंने आज। ओके भाई मारुति का भाई देखो ना मुजुकी। किडनैपर गाड़ी आ गया बे। भाई तो किडनैपर मैंने यार, इसमें लड़की आ रही है क्या भाई? ऐसा मत बोलना इस गाड़ी में आ रही है यार। ओ गाल पूरा लाल लाल हो गया, इधर देख भी लो यार, इधर देख भी लो प्लीज, आंख तो खोल लो। अरे यार गजब बेइज्जती है। हाँ भाई क्यूट है यार, इतनी क्यूट है यार, फर्स्ट लव। ऑलराइट Let me give you some context. During my teenage time, I was really insecure about myself. क्योंकि एक तो मेरी height काफी कम थी, मतलब अभी भी कमी है, but guys मैं भाई से मिला हूँ, भाई काफी अच्छे हैं, ठीक है। अरे भाई शायद से असम से है ना, असम से बोले थे हम, मिले थे हैदराबाद में, भाई काफी अच्छे हैं बातचीत करने, मतलब अच्छे हैं एज अ पर्सन, मैं पहली बार मिला था। एंड इनके वीडियो में बहुत पहले से देख रहा हूँ, लाइक उनसे मिलने से पहले, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से देख रहा हूँ, ये बात भी नहीं है, बट इनसे मिलने से लाइक 1-2 साल पहले से देख रहा था, एंड मिला था इनको मैं, लाइक अच्छे बंदे हैं, लाइक ये येलो टी शर्ट पहन के चलते पहचान में आ जाएंगे और मास्क लगा के चलते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि अज्जू भाई की तरह पूरा गायब नहीं। और इन्होंने शायद 10 मिलियन में फिर से बिल करूंगा ऐसा कुछ सुना था मैंने, आई थिंक सो 3.5 मिलियन हो चुके, हो जाएंगे धीरे धीरे, पहले से तो ज्यादा ही है। एंड ऑल्सो प्यूबर्टी ने चेहरे का नक्शा बिगाड़ रखा था। भाई ये सच है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था ना
मेरा भी ऐसे हालत था। अभी भी बताए मेरा एक लाइक प्लस पॉइंट है, मतलब प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट बोलूं पता नहीं, लाइक लोगों का पिंपल्स इधर इधर आता है ना, मेरा भी लाइक टीन एज में ऐसे आता था, मुंह भी आता था। बट अभी क्या होता है ना, मेरा मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसके साथ ऐसा होता है चैट में बताना, मेरे पीठ में बैक में पिंपल्स आते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ कसम से, मेरे पीठ में पिंपल्स है, मेरे फेस में नहीं आते, बैक में पीठ में आते हैं। किसका किसका ऐसा होता है या फिर मेरा कुछ प्रॉब्लम है, फिर क्या है को बताना, मेरे पीठ में पिंपल्स आते हैं कसम से। ₹50 मैं काटूं या तू खुद काट लेगा ओवर एक्टिंग के? थैंक्स टू पिंपल्स जो कि मेरे चेहरे पर 2 साल तक रहे। ये तो है भाई, होता है। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग्स आई ऑलवेज फेल्ट, बट पिंपल्स ऐसे नहीं आते, ठीक है, जवानी से आते हैं। हाँ? कि मुझ में काफी सारी कमियां है, व्हिच इज व्हाई आई थॉट कि कोई चांस ही नहीं बनता कि कोई लड़की मुझ जैसे बंदर से आगे पड़ जाए। Whereas on the other hand, मेरे क्लास के सो कॉल्ड कूल गाइज जैसे होते ना, हर क्लास में ऐसा होता है, कोई ना कोई अमीर बाप का बेटा, कोई एकदम हैंडसम लड़का, कोई एकदम लड़की पटाने में एक्सपर्ट, कोई ठरकी, कोई हराम खोर और कोई गंजेड़ी एकदम दारू वारू पीने वाला। लेफ्ट और राइट जिधर भी खूबसूरत लड़की देखी उधर प्रपोज मार रहे, पूरी पूरी क्लास के सामने नील डाउन करके आई लव यू बोल रहे। बाय आई लव यू। Hey, you set my soul on fire. Damn these chumbies. I know, right? पता नहीं कहाँ से आती है इतनी हिम्मत, और ऊपर से पैसों की कमी तो होती नहीं इनको, हर दूसरी लड़की को फरारी गिफ्ट करता है। It's Ferrero, not Ferrari. तूने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है यहाँ पे। Okay. वो फरेरो गिफ्ट करता है। जिनको नहीं पता फरेरो रोशर रूचर फरेरो रूचर इज अ चॉकलेट। या महंगा वाला ₹800 का आता है एक डब्बा, और ये 2014 की बात है, तब ₹10 की डेरी मिल्क महंगी लगती थी मुझे, इसलिए ₹5 वाली खाता था। Damn these rich kids. भाई मैं तो अभी ₹5 लगाता हूँ, मिलता है ₹5 का, कितना लाता हूँ मतलब ज्यादा लाता हूँ ना, बड़ा वाला वो मतलब ज्यादा हो जाता है, ₹5 लाओ बहुत सारे, जब मन करता है एक एक निकाल खा जाओ। And I don't think so, just because इनके माँ बाप बहुत अमीर है तो इनको जब चाहे पैसे मिल जाते होंगे, लाइक ये ले बेटा मेरी होने वाली बहू को सिर्फ महंगे वाले चॉकलेट्स ही देना, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, पॉकेट से मार के लाते हैं ऑब्वियसली, और फिर लड़कियों के सामने आके फ्लेक्स करते हैं। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, मुझे आज भी वो पूरी लाइन याद है वर्ड बाय वर्ड जो उस बंदे ने फेंकी थी। यार सो सॉरी यार, दुकान में इससे महंगे चॉकलेट थी नहीं यार। पहली बात, ₹800 की चॉकलेट मैं आज भी ना खरीद के खाऊं, अनलेस अंदर 2-3 हीरे। भाई मैंने आज तक नहीं खाया ₹800 का चॉकलेट, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ₹800 का चॉकलेट भाई मेरे को, भाई ₹50-60 ₹100 तक मैंने खाया है खरीद के, बट यार ₹800 का तो मैंने नहीं खाया रे, इतना महंगा चॉकलेट। और दूसरी बात, इससे महंगी नहीं मिली मतलब ₹800 तुझे महंगे नहीं लगते? तेरा बाप दुबई में तेल बेचता था क्या? और हमारी क्लास की छोरियां छोरों से कम है के, फ्री में इतनी महंगी चॉकलेट मिल रही है तो थोड़ी ना मना करेंगे। कोने में बेंचमेट के साथ ट्राइंग टू इग्नोर ऑल दिस बुलशिट ऑन पर्पस। कितने कूल है यार, मुंह पे आई लव यू बोल दिया देखा तूने? अभी तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे यार? एक बात बता, अगर मोदी जी पहले चाय बेचते थे तो अभी उनकी दुकान कौन चला रहा है? It's okay, तू बात मत कर, रहने दे। Now to be honest, मैं इन सब चमड़ी मैटर से इसलिए दूर रहता था because इन cool guys ने मेरे माइंड में ये सेट कर दिया था कि love is materialistic, which is why I thought कि किसी को पसंद करने के लिए उसे अच्छे gifts देने पड़ते हैं। And ना तो मेरे पास इतने पैसे थे महंगे चॉकलेट्स खरीदने के, और ना ही मेरी शक्ल पटाने लायक थी। ऊपर से चोमो वाले हेयर स्टाइल, hey, thanks to my mom. And because of all these things, मैं कभी किसी लड़की पे क्रश नहीं करता। करता तो था, लड़की भाव नहीं देती थी, ये हो सकता है। था। हाँ। Until I saw her. Okay. April 2014. It was a regular day. मैं स्कूल के लिए निकल चुका था अपनी साइकिल पे, thinking about something stupid like बस एक बार गुंडे हमला कर दे स्कूल में, फिर सबको बचा के हीरो बन जाऊंगा, फिर स्कूल जाना। मुझे लगता था सिर्फ मैं सोचता हूँ, पूरा इंडिया सोचता है ना, कोई हमला कर दे मैं बचाऊंगा, अटैक हो जाए मैं सबको पीटूंगा। बंद। या आई नो कोई सेंस नहीं बनती इस बात की, बट उन दिनों बड़ी सेंसिबल लगती थी। मैं ये बकवास सोचते सोचते आ ही रहा था कि तभी एक वैन मुझे क्रॉस करती है। एंड इन दैट स्प्लिट सेकंड ऑफ मोमेंट आई सॉ दिस प्रिटी गर्ल इनसाइड द वैन, एंड आई डिडंट इवन रियलाइज कि मैं फ्रीज हो गया था। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज हैकर बोलते। या मैंने साइकिल खंभे पे ठोक दी। But the good thing is, I got myself a crush. Yes. चमड़ी साला। ओए, चमड़ी किसको बोला? इस स्क्रिप्ट में लिखा है यार, स्क्रिप्ट में लिखा है।
वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। बट जाने से पहले कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। गाइस लाजवाब था, अति उत्तम, काबिले तारीफ, अविश्वसनीय वीडियो, एकदम बढ़िया वीडियो गाइस। ठीक है, मैं भी इनकी वीडियो काफी देखते रहता हूँ, मस्त वीडियो है गाइस, आप लोग जाके जरूर देखना। आरजी बकेट लिस्ट को भी जाके सब्सक्राइब करो एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, हमको भी 4 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करना है। एंड हम मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।